सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पत्र लेखन। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। आज के इस कंप्यूटर युग में भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी डाक, तार विभाग, कोरियर सर्विसेस सभी दिन रात अपने कार्य में व्यस्त हैं। बच्चों, आप जानते हैं पत्र संदेश भेजने का सबसे सरल, टिकाऊ और महत्वपूर्ण साधन है। पत्र जहां मन के तारों को जोड़ने वाला एक आत्मजन है, तो दूसरी ओर व्यवसायिक गतिविधियों का प्रामाणिक दस्तावेज। कार्यालय पत्र तो कार्य विधि का अनिवार्य अंग बन चुके हैं। उसके बिना कोई कार्यालयी कार्य संपन्न नहीं होता। अतः छात्र के लिए पत्र लेखन कला सीखना अनिवार्य है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे पत्र लेखन क्या है, वो आपके लिए जरूरी क्यों है। आप देखते हैं पत्र के कितने भेद होते हैं। बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र, यानी कि इनफॉर्मल लेटर और ये है फॉर्मल लेटर। ये जो आपके अनौपचारिक पत्र हैं, इसके अंतर्गत आते हैं व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक तथा निमंत्रण पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, विभिन्न विभागों के नाम पत्र, संपादकीय पत्र, व्यवसायिक पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र आदि आ जाते हैं। बच्चों, कक्षा 9वीं के कोर्स बी के पाठ्यक्रम में केवल अनौपचारिक पत्र का समावेश हुआ है, इसलिए आज हम अनौपचारिक पत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये जो अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर होता है, ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इसमें कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्तिगत रूप से अपने माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र संबंधी को लिखे गए पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, यानी कि अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र विविधतापूर्ण होते हैं। इसमें सूचनाओं के साथ भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। अतः जैसे भावनाएं निजी होती हैं, वैसे ही इन पत्रों की लेखन शैली में भी निजात होती है। इस पत्र को लिखने के लिए औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह इस प्रकार है, पत्र सरल, सुंदर एवं स्पष्ट हो। दूसरा पॉइंट है, उचित संबोधन तथा अभिवादन हो। तीसरा पॉइंट है, पत्र में तारीख अवश्य लिखी हो। नेक्स्ट, पत्रों को आवश्यकता अनुसार कई अनुच्छेदों में बांटा गया हो। प्रत्येक नई बात के लिए नया अनुच्छेद हो। आवश्यक बातों का स्थान पहले हो। पत्र की भाषा शैली आकर्षक एवं प्रभावशाली हो। पत्र साफ सुथरा लिखा हो तथा पिन कोड अवश्य लिखा हो आदि, ऐसे अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आओ बच्चों, पहले हम अनौपचारिक पत्र को थोड़ी फेर बदल के साथ विषय सामग्री के बिंदुओं के अनुसार ये निम्नलिखित समस्त पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आओ सीखते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र लिखने की विधि इस प्रकार से होती है।
सबसे पहले प्रेषक का पता तथा दिनांक लिखी जाती है। पत्र के ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले प्रेषक को अपना नाम तथा पता लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। पहले नाम, स्थान, नाम, पता और दिनांक। नाम, पते तथा दिनांक का आरंभ एक सीधी रेखा से होना चाहिए, क्रम अनुसार होना चाहिए। और एक जरूरी बात है बच्चों, अगर छात्र परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते की जगह पर अपना एड्रेस की जगह पर परीक्षा भवन तथा केंद्र का नाम लिखना चाहिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में कोई पता दिया गया है तो अलग बात है, वरना परीक्षा भवन या केंद्र का नाम लिखे तो उचित होगा। उदाहरण के तौर पर बच्चों देखो, क ख ग परीक्षा भवन, अ व केंद्र, डैश दिनांक, परीक्षा वाले दिन की तिथि लिखना है। बच्चों औपचारिक पत्र की संबोधन, अभिवादन और समापन तालिका, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पत्र लेखक को सावधानी, कुशलता और सहृदयता का परिचय देना चाहिए। संबोधन में विशेषण की महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ संबोधन तथा अभिवादन की तालिका दी गई है, आप इसे ध्यान दें। संबंध, संबोधन और अभिवादन। आप अपने दादा या पिता को अगर पत्र लिख रहे हैं तो हमें संबोधन करना है, श्रद्धेय दादाजी, पूजनीय या पूज्य दादाजी या पूज्य पिताजी। उसके बाद आपको अभिवादन करना है, सादर चरण स्पर्श या श्रद्धेय प्रणाम। समझ में आ गया बच्चों? अगर आप अपने दादा या पिता को या दादी या माता को लिखोगे तो इसी तरह से आप दादाजी के स्थान पर दादी जी कर सकते हो और पिताजी के स्थान पर माता जी कर सकते हो, और सादर चरण स्पर्श या श्रद्धेय प्रणाम। और अगर आप अपने मामा, चाचा, फूफा, मौसा को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी या पूज्य फूफा जी या पूज्य चाचा जी, ऐसे लिख कर सादर प्रणाम, नमस्कार या चरण वंदना आदि लिख सकते हो। जब बड़ों को लिखोगे सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, चरण वंदना, इस तरह से अभिवादन करोगे। समझ आ गया बच्चों? अगर आप अपने बड़ा भाई या बड़ी बहन को लिख रहे हो तो आप आदरणीय भाई साहब या आदरणीय बहन जी, इसको इसी तरह से अभिवादन करोगे, सादर प्रणाम, श्रद्धेय नमस्कार आदि। समझ में आ गया बच्चों? अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो लिखोगे मित्रवर, प्रियवर या प्रिय क ख ग यानी मित्र का नाम दे सकते हो, स्नेही मित्र, अवश्य यानी कि उसका नाम दे दिए, तो उसके बाद अभिवादन रहेगा आप सस्नेह नमस्कार, मधुस्मृति, प्रेम स्नेह आदि, ये अभिवादन के रूप में लिखोगे। बच्चों जब हम छोटे भाई या छोटी बहन को लिखते हैं तो प्यारी, प्रिय, उसका नाम क ख ग या क ख, या बहन को लिख रहे हो तो स्नेहमयी, ऐसे ही लिखोगे। उसका अभिवादन होगा सस्नेह नमस्कार। अगर कोई माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को लिखेंगे तो उस समय संबोधन ऐसा रहता है बच्चों, तो स्नेहमयी चिरंजीव, प्रिय पुत्र, आयुष्मती क ख यानी कि उसका नाम दे दिए, उसके बाद अभिवादन रहा स्नेह, प्रेम, सुखी रहो आदि। तो बच्चों पत्र लिख अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले अपना पता लिखोगे, उसके बाद कंटेंट में
विषय का आरंभ करोगे, इस तरह से करोगे, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर हाल मालूम हुआ, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। उसके बाद मुख्य विषय पर आओगे, मुख्य विषय जब लिखोगे तो पत्र का मुख्य विषय सहज स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें रिश्तों की मधुर सुगंध होनी चाहिए। विषय में औपचारिकता की बजाय हृदय की सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। विषय के प्रारंभ में परिवारजनों का हालचाल पूछना चाहिए तथा अंत में उसके लिए उचित आदर या स्नेह प्रकट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया आपको, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर हाल मालूम हुआ, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। इसी तरह से ये आरंभ हो गया। जब पत्र का अंत करोगे उसके बाद मुख्य विषय को लिख दोगे, या आरंभ करने के बाद मुख्य विषय लिखोगे, जब पत्र का अंत करोगे लिखोगे, माता पिता को मेरी ओर से सादर नमस्कार कहना, अनुज को स्नेहा, अपने विषय को लेकर ही इसको अपना कंक्लूजन देना। बच्चों यहाँ पर बधाई पत्र का एक नमूना प्रस्तुत कर रही हूँ, कैसे लिखा गया है आप इसको देखिए। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में यहाँ पर पता दिया गया हो तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। जैसे रंजना की सखी सुमेधा वाद विवाद प्रतियोगिता में पूरी दिल्ली में प्रथम आई, तो रंजना की ओर से बधाई पत्र लिखिए। यहाँ पर रंजना का पता भी दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पर परीक्षा भवन या कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो पता दिया गया है उसी के हिसाब से आपको लिखना है। अथवा अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए, तो यहाँ अपना एड्रेस या फिर परीक्षा भवन आदि लिख सकते हो। इसी तरह से अलग अलग ढंग से प्रश्न पत्र तैयार होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो इसी आधार पर हम देखते हैं रंजना ये जो है उसका पता 375 कृष्णनगर भोपाल, दिनांक दिया गया है 25 मार्च, और साल आप अपने हिसाब से दोगे। उसके बाद प्रिय सुमेधा, यानी कि रंजना सुमेधा को लिख रही है, अपने प्रिय मित्र को ये वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए बधाई दे रही है। तो मित्र को वो मधुर स्मृति लिखते हुए पत्र को आरंभ कर रही है, बहुत बहुत बधाई हो सुमेधा, मुझे अभी अभी तुम्हारी सखी नीलिमा का संदेश मिला है, पता चला है कि तुमने इस वर्ष संपूर्ण दिल्ली के विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ वक्ता होने का सम्मान पाया है। इसके बाद बच्चों और एक पैराग्राफ में वो लिख रही है सुमेधा, मुझे इस समाचार से इतनी प्रसन्नता हुई है कि खुशी मन में नहीं समा रही है, इसलिए सब काम छोड़कर तुम्हें बधाई लिख रही हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई, मेरी मम्मी और पापा भी तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। ईश्वर करे तुम्हारी यह कला दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करे, तुम सचमुच इस सम्मान की अधिकारिणी हो। ईश्वर ने तुम्हें प्रतिभा दी है तो तुमने मेहनत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, प्रतिभा और साधना का यह सुफल तुम्हारे और हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं तो यही कहूँगी और आगे बढ़ो और बढ़ो। इसी तरह से विस्तार वर्णन करने के बाद यहाँ पर एक कोटेशन भी दिया गया है, उसके बाद इसका अंत ऐसे किया गया है, मेरी ओर से माता जी तथा पिताजी को बधाई देना, इस शानदार जीत पर लड्डू खाने के लिए कब बुलाती हो, इसकी प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी रंजना। समझ में आ गया बच्चों? आशा करती हूँ आज जो तुम्हें पत्र लिखने का कला या ढंग सिखा गया आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों आज हमने अनौपचारिक पत्र के बधाई पत्र के बारे में चर्चा की है, इसी तरह से अन्य पत्र भी थोड़े हेर फेर करके आप लिख सकते हैं, आप जरूर कोशिश करना। नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।